प्लान इंडिया में हाँ जी। मैं सोचती हूँ कि लड़कियाँ पढ़ाई करते हैं तो उसकी गरीबी मिट जाती है, तो बिल्कुल आपका क्या कहना है? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर आप पढ़ाई और आप शिक्षित होंगे तो आपकी जो प्रगति है, लड़कियों की जो प्रगति है वो बहुत आसानी से हो जाती है, और इंडिया की जो प्रगति है वो भी हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को स्पेशली, अगर इट हैज़ टू बी मोर प्रोग्रेसिव एंड मोर सक्सेसफुल, देन वुमेन नीड टू बी एजुकेटेड, बिकॉज वो दे आर द फल्क्रम एंड दे आर द हार्ट ऑफ द हाउस होल्ड। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। माय नेम इज संदीप। नमस्ते संदीप। मेरा क्वेश्चन ये कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा? मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो मेरे फादर हैं, हु इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ प्लान इंडिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आई फील इफ पेरेंट्स ऑल ओवर इंडिया लाइक माई फादर विल सपोर्ट देयर डॉटर्स एंड देयर चिल्ड्रन लाइक माई फादर डिड, इज वेरी ईजी टू बी सक्सेसफुल। थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैम, मेरा नाम प्रियंका है। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से एक्टर के साथ काम करना पसंद है? आमिर खान। थैंक यू। थैंक यू। मेरा सवाल है कि डू यू लाइक शॉपिंग एंड डू यू शॉप फ्रॉम पलेडियम? आई लव शॉपिंग। आई थिंक सब जानते हैं कि मुझे शॉपिंग और कपड़े बहुत पसंद हैं और फैशन बहुत पसंद है, और पलेडियम में बहुत आती हूँ शॉपिंग करने। थैंक यू। हाँ, स्पेशली पलेडियम डज सच अमेजिंग इनिशिएटिव्स, देन आई विल बी मोर एंथुजियास्टिक अबाउट शॉपिंग। थैंक यू फॉर गिविंग दिस टू प्लान इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ माय डैड एंड मी ऑन प्लान इंडिया। थैंक यू। आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना। मेरी सबसे बड़ी जो रिग्रेट है इज दैट आई डिडंट फिनिश माय एजुकेशन, और मैं 12th पास हूँ, और उसके बाद मुझे और पढ़ाई करना चाहिए था। इसलिए जो भी मैं काम करती हूँ और जब भी मैं बच्चों के साथ या यंग लोगों के साथ बात करती हूँ, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि पढ़ाई बंद नहीं करना चाहिए, पढ़ाई बहुत शिद्दत से करना चाहिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? हिस्ट्री। आप मैथ्स से डरती थी? मैं मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरती थी, मैं मैथ्स में आई वाज प्रीटी गुड एट मैथ्स। थैंक्स। रिया, हर्ष और तुम, आप में तीनों में से अनिल कपूर जी को सबसे ज़्यादा कौन पसंद था? अगर मैं आपको एक सीक्रेट बोलूँ, मैं एक्चुअली बहुत डिप्लोमेटिकली मुझे बोलना चाहिए कि हम तीनों उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड ही लव्स अस ऑल थ्री इक्वली, पर आई एम द ओल्डेस्ट एंड मुझे लगता है कि आई एम माय डैड्स फेवरेट। थैंक्स। थैंक यू। मैं आपकी तरह कल एक्टर बनना चाहूंगी। अच्छा? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक्टिंग स्कूल जाओ। बहुत अच्छे, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ बहुत अच्छी स्कूलिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, और बॉम्बे आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू। आपको पेंटिंग अच्छी लगती है? जी, मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली मुझे इंडियन आर्ट बहुत पसंद है, इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट, इंडियन ओल्ड आर्ट, और मैं जब भी छोटी थी तभी मैं बहुत पेंटिंग करती थी, पर अब मैं एक एक्टर हूँ, वो भी एक आर्टिस्ट ही है, बट आई लव अप्रिशिएटिंग आर्ट इवेंचुअली। अच्छा, थैंक यू। पलेडियम में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी शॉप पसंद है? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? आई थिंक दे ऑल गुड, आई थिंक दे ऑल गुड स्टोर्स। आपको मेकअप पसंद है क्या? हाँ, मैं लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मेरा लास्ट सवाल है जी, मतलब हम सब बच्चों से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और ये क्वेश्चंस बहुत ही स्मार्ट और फन क्वेश्चंस थे। आई होप दैट एवरी इंटरव्यू आई गिव आप सभी हो जहाँ मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। Thank you. Since the kids have asked so many questions, I have like two personal questions on behalf of Palladium. So like Palladium, everybody knows is the fashion destination of Mumbai. Okay. And you being the style icon of Bollywood, what do you have to say about Palladium? I'm very excited to be here. I'm excited that you do initiatives like that.
in such a consumer driven society where everything is about material needs and everybody's just consuming, it is quite essential to give back and to make the world a better place. And if Palladium keeps doing this over and over again, and I hope they do it more than once a year, I will be more of a bigger fan. Thank you so much. And one last question, as when it comes to Palladium, there are many fashion enthusiasts in the crowd here. So what suggestion or what advice do you have for all the fashionistas in the crowd? Be yourself and, you know, always dress to please yourself. LOC की बात कर रहे हो आप जो स्पेसिफिक टारगेटेड ये हुआ आई थिंक इट वाज इट्स हाई टाइम वी रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म वी एज अ कंट्री हम लोग बहुत ही टॉलरेंट है एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी पुट अ फुट डाउन एंड वी शो व्हाट इंडिया कैन